हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम संक्षारण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे और इसके बचाव के उपाय देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं संक्षारण। इसकी परिभाषा है कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है, पहला है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं जब खुली होती हैं और नमी और हवा के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर जंग लग जाता है और उनकी ऊपरी परत धीरे धीरे खराब होती जाती है, यानी कि संक्षारित होती जाती है। वैसे ही एक और उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत जमना, और इसके अलावा एक और उदाहरण है तांबे के ऊपर हरी परत का जमना। ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय। इसके बचाव के उपाय हैं यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ धातुओं को मिश्र धातु बनाकर भी बचाया जा सकता है, जैसे कि स्टील, पीतल, ये जो हैं ये मिश्र धातुएं हैं जो संक्षारित नहीं होती हैं आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें।